देखिए, हमारे जो टेरेंस हैं, यानी कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस, वो कमाल का डांस करते हैं, और क्या कमाल का लोगों को अपनी उंगलियों पर, इशारों पर नचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उतने ही धमाल क्लासिकल सिंगर हैं? जी हाँ, लोगों के बारे में ना अलग अलग चीज़ें पता लगती हैं जब आप उनके साथ कुछ वक्त बिताए। तो आज एक बड़ा ही म्यूजिकल सा डे आउट करते हैं टेरेंस लुइस के साथ। SBS Originals में आज आपको दिखेगा एक कोरियोग्राफर का म्यूजिकल अंदाज। जिनको गानों पर थिरकता हुआ देखकर आपके होश उड़ जाते हैं, आज वो कदम थिरकाएंगे नहीं, बल्कि अपने गले से सुरों के ऐसे तीर चलाएंगे जो सीधे आपके दिल में लगेंगे। टेरेंस लुइस, वैसे तो कोरियोग्राफी की दुनिया में इनका सिर्फ नाम ही काफी है, लेकिन टेरेंस आजकल डांस के अलावा म्यूजिक की दुनिया में भी खोए हुए हैं। घर पर बाकायदा रियाज करते हैं, रियाज करते करते गानों में डूब जाते हैं। लेकिन टेरेंस को अचानक से म्यूजिक का नशा कैसे चढ़ गया? अगर ये बात आप टेरेंस से ही जाने, तभी आपको यकीन होगा कि कैसे इतना बढ़िया कोरियोग्राफर एक बढ़िया सिंगर भी बन गया। मैं कहूँगा मेरी सिंगिंग की जो जर्नी है रुक रुक के हुई है। बचपन में मैं यू नो इन स्कूल मैं सिंगिंग सीखता था, तो सिंगिंग और थिएटर का बहुत शौक था। और फिर कहीं ना कहीं जैसे मैं बढ़ता गया, व्हेन आई वाज 13 और 14, डांस का शौक चढ़ा एंड आई थिंक इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम। और क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए यू नो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मैं डांस ट्यूशन देता था घर घर जाके। मैंने उतनी ट्रेनिंग ली नहीं है सिंगिंग में जितनी मैंने डांस में ली है, तो मैंने यू नो आई स्टार्टेड टू यू नो ट्रेन एंड प्रैक्टिस इन सिंगिंग। तो ऑलमोस्ट 6 to 8 months मैंने यू नो कोचिंग ली फ्रॉम टीचर्स, यू नो चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो या यू नो वेस्टर्न वोकल्स। तो बहुत सीखने के बाद और अपनी आवाज़ को यू नो तराशने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा आया। और फिर मैंने यू नो वी आई न्यू म्यूजिक कंपोज़र राहुल जैन, उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक गाना है जो आप शायद अच्छा गा सकते हो, आपके जोन में है वो। बातों ही बातों में टेरेंस ने हमें म्यूजिक की कुछ एक बारीकियां भी सिखाई। तो मेरी जो म्यूजिक टीचर है उनको मैं देखता था और उनके घर जाता था जस्ट सीखने के लिए। उन्होंने मुझे कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ कॉर्ड सिखाया था कि कॉर्ड्स कैसे होते हैं, सी कॉर्ड, यू नो लाइक दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज ए बी सी। तो इट्स सारे गामा, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा धा रे सा। सो दिस इज बेसिकली योर आपके जो 7 या 8 सुर होते हैं ये यहीं पे होते हैं, एंड दीज आर देन ऑक्टेव्स। सो यू नो देर आर कॉर्ड्स एंड देर इज अ मेलेडी। ओके, तो कॉर्ड्स आर व्हेन यू चेंज अ नोट, कभी नाउ दिस द कभी, दिस इज योर सी कॉर्ड, याद करके आना, सो दिस इज कभी ये, सो दिस इज योर सी कभी ये। अभी आशिकी जब आता है उसका टोन जो है नोट चेंज होता है, आशिकी भी, सो दिस इज ए माइनर। ओके, एंड देन देयर इज एफ,
याद, आई कॉन्ट प्ले सी, याद ये नहीं चाहिए, ये मैच नहीं होगा, ये सी कॉर्ड है, ये एफ कॉर्ड है, याद करके आना हमारा नाम भी ऐसे ही ना भूल जाना. So that's how you write, and then it changes, so you have to keep writing, you know, as the notes change. So these are your notes. Mostly, you know, in a song, there are around 7 or 8 chords that you generally play. So agar aapko chord work pata hai, it becomes very easy to play. Terence ke saath music ki masti chal hi rahi thi ki tabhi hume peeche se aayi kuch babies ki aawaz. Babies, wait. I'm coming. Terence ke ghar pe babies? Oh my God, we were shocked. और हमने टेरेंस से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार हमें आपके बेबी से मिलना है. और तब टेरेंस लेकर आए इन नन्हे मुन्हों को. चार्ल्स, कम या बुचू, कम या, यस 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 यस. कंजू बॉय, कंजू कंजू, यस बेबी, कम. मान गए टेरेंस, अब इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न इंसान. कोरियोग्राफी के साथ साथ सिंगिंग की दुनिया में भी आप जरूर तहलका मचा देंगे. लेकिन जब आप सर्वगुण संपन्न बन गए हैं तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि याद रहे अभी भी आप एलिजिबल बैचलर हैं. मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. ABP News, आपको रखे आगे.